With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture. ग्रीन रिवॉल्यूशन और इरिगेशन के कारण कई जॉब एग्रीकल्चर फील्ड में एग्रीकल्चर सेक्टर में मिली लोगों को, बट ये लिमिटेड जॉब्स थी, ये लिमिटेड जॉब्स थी एंड बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया. इसका जो इफेक्ट हुआ, जो जॉब्स मिली वो कुछ ही एरियाज में मिली, लाइक पंजाब, जो पंजाब हरियाणा में काफ़ी प्रोडक्शन हुआ एंड द इंडस्ट्रीज बोथ, और जो इंडस्ट्रीज थी वो बोथ इन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर डिड नॉट प्रोवाइड सम जॉब, डिड प्रोवाइड सम जॉब. इंडस्ट्रीज ने कुछ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जॉब को प्रोवाइड कराया, बट ये जॉब इनफ नहीं थी, क्योंकि जो जॉब सीकर्स थे, जो जॉब ढूंढ रहे थे, जो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए ये जॉब बहुत ज़्यादा इनफ नहीं थी, क्योंकि कई लोगों को जॉब नहीं मिली. अनएबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब इन सिटीज, मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. कई लोगों को ये जॉब्स ना मिलने के कारण कई लोगों ने जॉब्स अपनी ही जॉब स्टार्ट कर दी, लाइक उन्होंने रिक्शा पुलर्स की जॉब स्टार्ट कर दी, वेंडर की जॉब स्टार्ट कर दी. रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पे अपना काम करने लग गए, डोमेस्टिक सर्वेंट बन गए वो, और ये डोमेस्टिक सर्वेंट भी वो बन गए, घरेलू काम मतलब रिक्शा चलाने लग गए थे, वेंडर जगह जगह घूम के सामान बेचने लग गए थे, डोमेस्टिक काम कंस्ट्रक्शन फील्ड पे काम करने लग गए, डोमेस्टिक सर्वेंट बनकर घर घर जाके काम करने लग गए. विथ इररेगुलर स्मॉल इनकम, मतलब उनकी जो इनकम थी वो इररेगुलर थी, इररेगुलर स्मॉल इनकम थी. दीज पीपल कुड नॉट एफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसेज. अगर उनकी इनकम इररेगुलर होने के कारण वो पीपल एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंसिव हाउसिंग को, एक्सपेंसिव हाउसिंग लेना. एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स. वो अच्छा घर नहीं ले पा रहे थे तो वो स्लम्स में रह गए, जो सिटी से बिल्कुल दूर थे. एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्टी, लार्जली अ रूरल फिनोमेना, ऑल्सो बिकेम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर, ऑल्सो बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर. मीन कि क्या हुआ, जो वो लोग सिटी में आके रहने लग गए और जो पुअर्टी है वो बढ़ती ही जा रही थी, और जो पुअर्टी है बढ़ती ही जा रही थी, और जो रूरल एरियाज में, ये तो फिनोमेना ही था, रूरल एरियाज में भी आउटस्कर्ट्स में छोटे कास्ट रहते थे वहाँ पे भी गरीबी थी, एंड बिकम द फीचर ऑफ द अर्बन सेक्टर. अब ये जो रूरल एरियाज में पुअर्टी थी, अब वो अर्बन सेक्टर में भी इसका फीचर, ये रूरल एरियाज का जो गरीब है, जो पुअर्टी का फीचर अर्बन एरियाज अर्बन सेक्टर्स में भी आ गया पुअर्टी. एंड अनदर फीचर ऑफ हाई पुअर्टी रेट हैज़ बीन द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटी. अब पुअर्टी रेट जो रूरल एरियाज में थी वो अब अर्बन एरियाज में भी हो गई, और वो उसका फीचर हो गई कि अब ये नॉर्मली सा एक फीचर है कि हमें आउटस्कर्ट्स में रहना है और पुअर है. एंड सेकेंड अनदर फीचर है कि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, उनकी जो इनकम्स है वो इनकम्स में भी इनइक्वालिटीज थी, उनके इनकम्स में इनइक्वालिटीज थी. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. इसका जो मेन रीज़न है, जो हमारी इनकम में इनइक्वालिटीज थी, उसका जो मेन रीज़न था हमारे यहाँ मतलब लैंड और अदर रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लैंड और अदर रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था. Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in a meaningful manner. हमारे यहाँ बहुत सारी policies थी लेकिन हम उसको अच्छे से tackle नहीं कर पा रहे थे, the issues in a meaningful manner में उसको हम tackle नहीं कर पा रहे थे, अच्छे ढंग से उसको use नहीं कर पा रहे थे.
द इशूज़ को, जो इशूज़ थे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे. मे द पॉलिसीज इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म्स विच एम एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन रूरल एरियाज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली बाई मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो रूरल एरियाज में अभी भी मेरा पॉलिसी इनिशिएटिव लाइक लैंड रिफॉर्म विच एम एट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन रूरल एरिया, मतलब जो लैंड रिफॉर्म से कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ एम था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट में इन रूरल एरिया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर किया. गवर्नमेंट ने उसको इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया. से लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉजेस ऑफ पुअर्टी इन इंडिया. जो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज की कमी होने के कारण ये सबसे बड़ा मेजर कॉज है. लैंड रिसोर्सेज, जो लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज ना होने, ये सबसे ज़्यादा पुअर्टी का रीज़न है इन इंडिया, क्योंकि इफ़ेक्टिवली हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को प्रॉपरली इक्वली पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. एंड इन इंडिया प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पुअर. मीन्स अगर आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करते उस पॉलिसी का, इफ़ेक्टिवली करते, स्टेट गवर्नमेंट्स अगर उसको प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली अप्लाई करती इन रूरल एरियाज, तो उनकी मिलियंस ऑफ पुअर पीपल लाइफ इम्प्रूव हो जाती. मैनी अदर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर्टी. और भी इसके रीजन्स हैं, जैसे सोशियो कल्चर इसका मुख्य रीज़न क्या है, सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर इसके रीजन्स हैं. इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनी people in India, including the very poor, spend a lot of money. सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर इसका बहुत बड़ा रीज़न है. इन सोशियो कल्चर हम कल्चर्स को निभाने के लिए, मतलब कोई भी अगर हमारे इंडिया में किसी भी पुअर की आपको सेरेमनी होती है तो वो हमेशा उसमें लॉट्स ऑफ मनी को खर्च करते हैं. और जब वो लॉट्स ऑफ मनी को खर्च करते हैं तो उन्हें मनी लेंडर से फिर उधार, मतलब लेंड करना पड़ता है मनी को, और वो लॉट्स ऑफ मनी इतना स्पेंड कर देते हैं. तो ये इसका एक मुख्य मीन्स कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट सोशियो फैक्टर है पुअर्टी का. तो फिर वो अपनी लाइफ कभी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चेंज ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वो मनी किसी से लैंड पे लेते हैं उसको उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है. इंटरेस्ट देते देते उनकी इनकम उनके पास इतनी नहीं होती कि वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपना बढ़ा सके एंड यू कैन से स्मॉल फार्मर्स नीड मनी. जो स्मॉल फार्मर्स है उन्हें रुपए की मनी की ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड. एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती है लाइक सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ती है. सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग, और पुअर पीपल के पास बहुत कम सेविंग्स उनके पास रहती है, बहुत ही कम, यू कैन से सेविंग बचती ही नहीं है. दे बोरो, वो बोरो करते हैं, अनेबल टू रीपे. अगर वो बोरो लैंड मनी करते हैं मनी लेंडर से या किसी से, अगर वो उसको दे नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर्टी, क्योंकि वो पुअर इतने पुअर रहते हैं कि वो उसे रुपए नहीं लौटा पाते. और दे बिकम
विक्टिम्स ऑफ इनडेप्थनेस, वो क्या हो जाता है, दे बिकम इनडेप्थनेस, विक्टिम्स ऑफ इनडेप्थनेस, मतलब कि वो कभी उस कर्ज को चुका नहीं पाएंगे, आज मतलब वो कभी उस रेंट को नहीं चुका पाएंगे। सो द हाई लेवल ऑफ इनडेप्थनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, और ये जो हाई लेवल ऑफ इनडेप्थनेस है, जो वो जो कर्ज है वो इतना हाई लेवल है कि उसी के कारण सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, उसके कारण सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है इंडिया में। एंटी एंड मैनी अदर सोशियो कल्चरल आर इकोनॉमिक फैक्टर ऑल्सो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी, जो सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर ये रेस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, और जो आप कर्ज लेते हो वो भी एक रेस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए, वो आपको गरीबी में धकेल देता है। एंड आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे जो कॉजेस है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, दैट अगर कॉजेस ऑफ पॉवर्टी है कि आपको कर्जा लेना पड़ता है, सोशियो कल्चर आपका एक इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है वहाँ पर सेरेमनीज को सेलिब्रेट करने के लिए, और इनकम इनइक्वालिटीज है, तो उसका कुछ गवर्नमेंट ने कुछ सॉल्यूशन भी ढूंढा, लाइक एंटी पॉवर्टी मेजर्स, एंटी पॉवर्टी मेजर्स एंटी पॉवर्टी मेजर्स, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो मेजर गोल है, वो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी है, कि पॉवर्टी को हटाना है इंडिया से। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लान्स, उनके टू प्लान्स हैं, जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजी को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है वो ब्रॉडली बेस्ड है टू प्लान्स पे, जो ब्रॉडली बेस्ड है टू प्लान्स पे, मतलब दो रीजन्स पे बेस्ड है, दैट इज़ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, एंड सेकेंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को टारगेट करना है, मतलब लोगों को एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाना है, मतलब उन्हें इनका इनको इसका मतलब इनके यूजर समझाना है, उसमें पार्टिसिपेट करवाना है। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s, देयर वर लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, देयर वर लिटिल पर, मतलब ओवर अ पीरियड करेंगे 30 ईयर्स लास्टिंग, मतलब अर्ली 80s में हमारा जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ था वो ज़्यादा नहीं था, बहुत लिटिल पर कैपिटा इनकम ग्रोथ था, and not much reduction in poverty, इससे हमारी पॉवर्टी में ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ, ज़्यादा कमी नहीं हुई, and in 19th official poverty estimate which were about 45% in the early 1950s remained the same even in the year 80s, means कि जो ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट हुआ था वो 1950s तक यू कैन से 45% था, 1950 से पहले तक 45% था, और ये 45% अर्ली 80s, मतलब 80s के स्टार्ट होने से पहले अर्ली 80s तक ये परसेंटेज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, ये 45% चेंज नहीं हुआ। Since the 80s में India's economic growth has been one of the fastest in the world. Since 1980s से economic growth जो भारत की हुई थी, economic growth में बहुत ज़्यादा fastest, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इंडिया ग्रोथ कर रही थी। सेंस
द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% अ ईयर. जो ग्रोथ रेट ने जंप किया एक एवरेज से 3.5% से बढ़कर, जो ग्रोथ रेट थी 3.5% अ ईयर इन द 1970s थी, और ये 6% हो गई 1980s और 1990s में. अगर आप ग्रोथ रेट को देखोगे तो 3.5% अ ईयर, 3.5% 1970s में थी, एंड 6% बढ़कर 6% हो गई 1980s और 1990s में, 1980s और 1990s में इसका ग्रोथ रेट बढ़ गया. जो ग्रोथ रेट थी 1970s में 3.5% वो 6% हो गई 1980s और 1990s में. द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पुअर्टी. अगर आपका हायर ग्रोथ रेट रहेगा तो आपकी जो पुअर्टी होगी वो रिड्यूस करेगी, रिडक्शन ऑफ पुअर्टी. देयरफॉर इट इज बिकमिंग क्लियर दैट There is a strong link between economic growth and the poverty reduction. यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर आपका हायर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक रहेगा, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा तो आपकी पुअर्टी डिक्लाइन करेगी. ठीक, एंड और इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पुअर्टी रिडक्शन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक है. इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडेंस opportunities and provide the resources needed to invest in human development. जो economic growth है ये widens opportunities provide करता है और resources provide करता है कि हम invest करें human development में, कि हम invest करें human development में. And economic growth this also Economic growth widens opportunities and provides the resources needed to invest in human development. This also encourages people to send their children, including the girl child, to schools in the hope of getting better economic return from investing in education. ये जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, जो अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी और जो रिसोर्सेज थे, प्रोवाइड रिसोर्सेज थे, नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट में इन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया जा रहा था. इससे पीपल्स को इंकरेज किया, पीपल्स को एनकरेज किया कि वो अपने बच्चों को, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, लड़कियों को, इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, टू स्कूल्स भेजे. और वो लोग इस होप से स्कूल भेज रहे थे गेटिंग बेटर इकोनॉमिक. अगर वो उनको स्कूल भेजेंगे तो उनको जो रिटर्न में इकोनॉमिक रिटर्न्स, उन्हें बहुत ही बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स मिलेगा. अगर वो उनकी एजुकेशन में कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको बेटर इकोनॉमिक रिटर्न मिलता है. अगर वो उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको एक बेटर इकोनॉमिक रिजल्ट मिलता है, रिटर्न मिलेगा. लोगों ने ये सोचा अगर हम गर्ल्स और बॉयज की इनका एजुकेशन में इन्वेस्ट करें तब. हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ. लेकिन जो पुअर पीपल्स थे वो इसका, जो पुअर पीपल्स थे वो इसका एडवांटेज, डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे. जो पुअर पीपल्स थे वो इसका डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे. एंड जो अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ में थी वो इसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे. एंड मोर एवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन. जो ग्रोथ थी एग्रीकल्चर सेक्टर में वो मच बिलो थी एक्सपेक्टेशन. ग्रोथ जो हमने सोचा था कि इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही कम ग्रोथ हुई थी. दिस हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पुअर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर
आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. दिस हैज इसके कारण दिस हैज डायरेक्ट बियरिंग इसके कारण पुअर्टी में इंक्रीज हुआ और लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव्ड इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. पुअर्टी के कारण अधिकतर लोग जितने भी लोग थे वो इससे हमारा मतलब कि इससे पुअर्टी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा. पुअर्टी में इफेक्ट के कारण क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर ऑफ हमें इतना पता है कि जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल्स हैं वो विलेजेस में ही रहते हैं और सब लोग डिपेंड है अपने एग्रीकल्चर में. इन दीज सर्कमस्टेंसेस देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पुअर्टी प्रोग्राम. इस सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अब हमें टारगेटेड एंटी पुअर्टी प्रोग्राम्स चाहिए जिससे कि हम पुअर्टी को रिड्यूस कर पाए. वो प्रोग्राम्स हमें चाहिए. ऑल्सो देयर आर सो मैनी स्कीम्स बहुत सारी स्कीम्स हैं विच आर फॉर्मुलेटेड टू अफेक्ट पुअर्टी डायरेक्टली. बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे फॉर्मुलेटेड टू पुअर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पुअर्टी को अफेक्ट करती है. एंड सम ऑफ देम आर वर्थ मेंशनिंग. कुछ जो प्रोग्राम जो स्कीम्स हैं जो पुअर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. फर्स्ट स्कीम हमारी थी महात्मा गांधी. जो पहला प्रोग्राम था जो पहली स्कीम थी एंटी पावर्टी मेजर्स में पहला महात्मा जो टारगेटेड थे स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज मनरेगा 2005. और इसका एम्स क्या था. इट एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया. इनका एम था कि 100 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी 100 डेज आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी और इसमें ये भी कहा गया था 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी एवरी हाउस होल्ड जितनी फैमिलीज हैं उनके हर फैमिली मेंबर्स के एक पर्सन को जॉब प्रोवाइड की जाएगी टू एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी जिससे कि रूरल एरियाज में लाइवलीहुड सिक्योरिटी बनी रहे जिससे कि वो अपनी लाइफ को सुरक्षित सिक्योरिटी में जी सके. इट ऑल्सो एम उनका फर्स्ट एम था 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा. सेकेंड इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्राउट डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोशन. इनका सेकेंड एम था कि उन्हें बताना कि ड्रॉट जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में उन्हें बताना चाहिए उन्हें उसकी यूजर्स के बारे में कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूजर्स बताना उनको और उसके कॉजेस बताना. अगर आप नहीं मानते हो तो उसके कॉजेस है कि ड्रॉट सूखा पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन अगर आप करेंगे तो क्या होगा पेड़ कट करेंगे तो सॉइल इरोशन होगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के को एड्रेस करना मतलब उनकी मीनिंग समझाना कि ये सारी चीज़ें कितनी हमारे लिए नुकसान. 1/3 ऑफ दी प्रपोजल जॉब था भी और 1/3 जॉब वुमेन के लिए रिजर्व करना. इसमें ये भी कहा गया था कि 1/3 जॉब वुमेन्स के लिए हमेशा रिजर्व रहेगा. द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू जो स्कीम थी वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी टू 220 करोड़ पर्सन पर्सन डे. मतलब जो स्कीम इस स्कीम के कारण 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.700 करोड़ हाउसहोल्ड मीन
कि 220 करोड़ पर्सन को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही थी और उनमें कितनी फैमिली आ रही थी, 4.78 करोड़ फैमिली आ रही थी, 4.78 करोड़ फैमिली में से 220 करोड़ पर्सन को जॉब प्रोवाइड की जा रही थी। मीन्स कि 220 करोड़ पर्सन को जॉब दी जा रही थी और उन कितने फैमिली जिससे सिक्योरिटी महसूस कर रहे थे, 4.78 करोड़ हाउसहोल्ड। द शेयर ऑफ एससी एसटी वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%, 17% एंड 53% रेस्पेक्टिवली। और इनके शेयर एससी को 23% शेयर दिया गया, एसटी को 17% शेयर दिया गया एंड वुमेन को 53% शेयर दिया गया इस स्कीम में। इस स्कीम में उन्हें एससी एसटी और वुमेन को शेयर दिया गया। मीन्स शेयर मीन्स कि उन्हें जॉब प्रोवाइड की गई, कि इस जॉब में जो 100 डेज की जॉब थी इसमें 23% एससी एंड 17% एसटी रहेंगे और 53% वुमेन रहेंगी इस जॉब में। एंड द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम, जो एवरेज वेजेस थे वो इंक्रीज कर गए, 65 रुपीज आपको 2006-2007 तक मिलते थे, 65 रुपीज आपको 2006-2007 तक मिलते थे एंड 132, और इसको इंक्रीज किया गया 132 रुपीज आपको 2013-2014 में मिलने लग गए, 2013-2014 में आपको 132 रुपीज मिलने लग गया। एंड रिसेंटली इन मार्च 2018 में द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैज बीन रिवाइज। रिसेंटली इन मार्च 2018 में फिर उनके जो वेजेस रेट थे अनस्किल्ड, मतलब जो अनस्किल्ड लेबर थे, मैनुअल लेबर थे, जो हाथों से अनस्किल्ड, जिन्हें काम करने का मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, जिन्हें काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था, उनके लिए कुछ वेजेस को चेंजेस किया गया, रिवाइज किया वेजेस को, दैट इज स्टेट वाइज कुछ वेजेस को चेंजेस किए गए। द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज लाइज इन बिटवीन। जो रेंजेस तय किया गया, बताया गया वेजेस रेट में, स्टेट वेजेस रेट में जो रेंजेस बताए गए थे वो कितने थे, डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में कितना रेंज था, कि 281 पर डे फॉर द वर्कर्स इन हरियाणा। हरियाणा में कितना रखा गया, 281 रुपीज फॉर द वर्कर। और बिहार और झारखंड में कितना रखा गया उसको, 168 रुपीज पर डे। 281 हरियाणा में रखा गया और 168 रुपीज कहाँ पे रखा गया, बिहार और झारखंड में। एंड रिसेंटली इन 2018 में वेजेस रेट को, जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे उनके लिए वेजेस रेट को कुछ डिफरेंटली चेंज किया गया, स्टेट वाइज यूनियन टेरिटरीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट वाइज अलग अलग उन लोगों ने स्टेट को रखने के लिए कहा। तो हरियाणा ने रुपीज 281 रखा, तो वहीं बिहार और झारखंड ने 168 रखा, 168 रुपीज पर डे रखा। एंड आर नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। हमने इसका मेन एम क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में कहा गया था कि 1/3 वुमेन्स के लिए सीट्स रिजर्व रहेगी उस जॉब में। एंड सेकेंड उनके लिए ये कहा था कि 100 उस जॉब में 23% एससी, 17% एसटी एंड 53% वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व रहेगी। एंड
पर पर्सन को उसमें जॉब 220 करोड़ पर्सन डेज में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था और इससे 4.78 करोड़ हाउस होल्ड को जॉब सिक्योरिटी मिल रही थी। और इसका मेन एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना कि हमें एनवायरनमेंट को बिल्कुल डिक्लाइन में लेकर नहीं जाना है, हमें डिफॉरेस्टेशन से बचना है, ड्रॉट से बचना है, सॉइल इरोशन से बचना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा।